वेलकम टेक बेटे गुरु, मैं आपका विकास, आपका मेरे चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग फिर से एक मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे आपके प्रीवियस के पेपर का, कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। तो ये पेपर सेट हमारे पास जो अवेलेबल है, ये M2 का है आपका, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग का। तो इसके बारे में हम लोग पार्ट वन के बारे में ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करेंगे, कि किस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, नए क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप किस प्रकार से बिना पढ़े आप उसके आंसर दे सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के बिहाफ पे। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ता है उसमें, कि कभी कभार वो क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा के ऐसे पूछे जाते हैं कि उनके ऑप्शन आपको नहीं मैच करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा फोकस करें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल डीप में जाए उसके लिए। और कुछ क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिलेंगे। चार पांच चीज आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी, IT टूल्स और ICT का पेपर आपको पास करना है, 40 में से कम 30 से 35 नंबर लाने हैं। तो सिंपल सा है, शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए सारी, डेस्कटॉप की, कमांडिंग की, MS Excel, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, इनकी आपको सबकी शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको सारे A से लेकर Z तक जितने भी फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजी, सभी के आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको फाइल एक्सटेंशन पता होना चाहिए। चौथा है आपको HTML के टैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HTML के टैग्स आपको पता होना चाहिए। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जितनी डिवाइसेस आपकी होती हैं, जैसे कि IMPS, WWW, SMTP, IMAP, FTP, Telnet, जितनी ये सारी आपकी डिवाइसेस होती हैं आपकी, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके एक दो ऑब्जेक्टिव आपको ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम में आपको मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पेपर को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको इसी तरह के हेल्पफुल नोट्स इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप नंबर 7 नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो देखने में असुविधा हो रही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है, आपको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा डिटेल में, जिससे कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप किस प्रकार से अपने आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इन द ओरिजिनल आर्पानेट, आपकी जो आर्पानेट होती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है, वेयर डायरेक्टली कनेक्टेड टूगेदर, यानी कि कहाँ पे आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, किसके साथ डायरेक्टली वो कनेक्टेड होती है। तो ऑप्शन है IMPS, होस्ट, कंप्यूटर, नेटवर्क और राउटर। हिंदी में आप देख लें, यहाँ पे आपका दिया गया वही चीज़ें हैं। तो क्वालिटी थोड़ी कम है इसकी, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट पेपर है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से किसी स्टूडेंट ने मुझको मेल किया था लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का पेपर आपका है 2018 का, तो मैं उसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, तो इसलिए क्वालिटी थोड़ी कम है। तो उसके लिए आप थोड़ा जूम करके देखें, इसलिए मैं काफ़ी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ पेंट पे। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका, आर्पानेट जो आपका कनेक्टेड होता है टुगेदर किसके साथ, IMPS, IMPS आपका क्या होता है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप टाइप करें IMPS आर्पानेट, तो दी इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर, IMP का मतलब है दी इंटरनेट मैसेज प्रोसेसर वाज पैकेट स्विचिंग नोड्स यूज टू इंटरकनेक्ट पार्टिसिपेंट नेटवर्क टू आर्पानेट लास्ट 1960 से 1989 के बीच में, आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें आपका IMPS का यूज़ किया जाता था आर्पानेट को कनेक्ट करने में। अब तो हम लोग आर्पानेट का टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट जो नेट ने आपका इंटरनेट कनेक्शन था उसको आर्पानेट नाम दिया गया था, जिसको हम लोग कनेक्ट करते थे दी इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, जिसको कहते हैं IMP, इंटरनेट मेल प्रोसेसर से। तो इसका भी फुल फॉर्म याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट को ऑप्शन बनेगा ए, इंटरनेट मेल प्रोसेसर सर्विस, इस प्रकार से है, सर्वर कुछ भी कह सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, स्विचिंग इज इंटरनेट डन बाय यूजिंग डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट, अगर इंग्लिश में ना समझ में, हिंदी में जरूर देख लें। इंटरनेट में स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग के लिए डेटाग्राम अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, तो स्विचिंग पैकेट्स के बारे में आपको बताना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी लेयर होती हैं उनके बारे में अगर आपको यहाँ पर नहीं मालूम होगा तो आप इसका आंसर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक एक लाइन के इनसे आपको मैंने कहा है इसकी थ्योरी आप देख लें, जो शुरू की इनकी थ्योरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होगी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, तो ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा, क्योंकि इसमें जो आपके जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, स्विचिंग इन नेटवर्क डन बाय यूजिंग डेटाग्राम अप्रोच टू पैकेट स्विचिंग एट नेटवर्क लेयर, तो ये सारा काम आपका किसके अंतर्गत होगा, नेटवर्क के लेयर, नेटवर्क लेयर के अंतर्गत। डेटा लिंक होता तो अदर कोई होती, फिजिकल लिंक में अदर, एप्लीकेशन में भी अदर, हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पैकेट स्विचिंग के संदर्भ में पूछा गया है और डेटाग्राम अप्रोच,
तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो नेटवर्क लेयर से जुड़ेगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी, सेकंड का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ से आपको इजी एक या दो क्वेश्चन आपको ऐसा डिफिकल्ट मिलेगा जिसमें आपको दिक्कत होगी, जैसे कि आपका ये वाला था क्वेश्चन नंबर सेकेंड पैकेट लेयर वाला, और बाकी क्वेश्चन आपको इतने हल्के मिलेंगे कि आप आराम से टिक कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लेयर इन द टीसीपी ऑब्लिक आईपी स्टैक इन इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल लेयर। तो कौन सी आपकी टीसीपी आईपी ऑब्लिक की लेयर है जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से आपकी मैच करती है ओएसआई मॉडल में? तो एप्लीकेशन या होस्ट टू होस्ट कनेक्शन, इंटरनेट या नेटवर्क एक्सेस। अगर ना समझ में आए तो टीसीपी आईपी समूह में कौन सी लेयर जो आपकी है वो ओएसआई मॉडल लेयर के ट्रांसपोर्ट लेयर में समांतर है, तो कौन सी लेयर आपकी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो थर्ड का बी ऑप्शन बनेगा, होस्ट टू होस्ट, यानी कि कोई यहाँ पर डिवाइसेस लगी हुई है तो ये होस्ट टू होस्ट कनेक्शन यहाँ पर देगा आपको, होस्ट टू होस्ट कनेक्ट करेगा डिवाइसों को, तो वो आपकी जो होगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाएंगी। और जो उसकी यहाँ पर जो कहा गया है आपका क्वेश्चन में देखें किसके समांतर है, ओ एस आई मॉडल लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के, वो आपकी समांतर होगी, तो आपका वो कहलाएगा होस्ट टू होस्ट नेटवर्क, तो ऑप्शन बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर है, कंप्यूटर के विशिष्ट शब्द डब्लू 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 डब्लू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको डरा दिया, आपने बोला कि डब्लू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, अब यहाँ पे चार डब्लू दे दिए हैं, का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका भी आपका फुल फॉर्म होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखें, अगर क्वेश्चन गलत होता तो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए उसके आगे आपके सब में एक वर्ड जरूर ऐड किया गया, जैसे कि वेब वेब वॉर्म और वीक। अगर ये चार वर्ड का नहीं होता आंसर सही तो उसमें तीन ही वर्ड लिखे होते, सब में आपके चार ऑप्शन दिए गए, चार वर्ड आपके ऐड किए गए, तो इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन इसी में से आपको ढूंढना है। तो 1.4 का जो सही ऑप्शन बनेगा, अगर चार डब्ल्यू आपको दिखें तो वर्ल्ड वाइड वेब तो हो गई आपका, और ऑप्शन बनेगा वॉर्म, डब्ल्यू ओ आर एम, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म 1.4 का सी ऑप्शन आपको टेक करना है। बाकी आपका वाइल्ड लाइफ वेब होगा नहीं, वुमेन वेब होगा नहीं, वुमेन्स वीक नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है, ऑप्शन सही होगा सी नंबर। क्वेश्चन आप समझ लें, क्योंकि टेक्निकल वर्ड यूज हो रहे हैं तो ऑप्शन भी टेक्निकली आपका होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ आई पी एड्रेस। अब इसमें से आपको आई पी एड्रेस की क्लास बतानी कौन सी नहीं है। तो आपने आई पी एड्रेस देखी है जैसे कि 192.168.0.1, तो आई पी एड्रेस इसमें चार ही आपकी क्लास बनती हैं, तो ए बी सी डी से इनको डिवाइड किया गया, ए बी सी डी चार डिवाइस आपकी हो गई, तो यहाँ पे जो दी गई हैं ए बी तो आपकी दी गई हैं, ए बी सी आपकी दी गई है, डी एक्स्ट्रा है, और जी जी भी आपकी होती है, ई भी आपकी होती है, लेकिन जो जी है वो आपकी नहीं होती है, तो ये आपका जो ऑप्शन बनेगा जी नहीं होती है, बाकी आपकी ऑप्शन ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं जिससे आपको सही समझ में आए। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, यानी कि जी नहीं है, बाकी आपकी ए बी सी डी ई तक आप इसको बनाते हैं, एफ तक भी बनाते हैं, लेकिन जी नहीं होगा, तो ऑप्शन बनेगा डी। पूछ रहा कौन सा नहीं बनाते हैं, अगर पूछ रहा कौन सी बनाते हैं तो फिर आपको एक दो ऑप्शन हटा देता, सिर्फ यहाँ पे ए बी सी डी करके देता, तो आप उसमें से कोई भी एक टिक कर देते। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने काफ़ी जूम कर दिया है, क्योंकि जो जिन्होंने सेंड किया है उनने क्वालिटी अच्छी नहीं थी जिससे कि वो आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन 2018 जुलाई का पेपर आपके पास हो तो आप उठा कर देख सकते हैं और उसमें टिक कर ले अपने आंसर, और किस प्रकार का सोल्यूशन आपको करना है उसमें देख सकते हैं। तो 1.6 साइज में चूज द करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज। तो मैंने आपको बताया है कि जो टैग आपके स्टार्ट होते हैं S6 S5 S4 S1 इस प्रकार से आपको चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आपके होते हैं, तो यहाँ तो H1 है वो आपकी होती है सबसे लार्जेस्ट, H1 सबसे लार्जेस्ट है, S6 आपकी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, तो यहाँ पे बोलना कौन सी स्मॉलेस्ट है, तो ये तो आपकी लार्जेस्ट हो गई H1 वाली, H6 है वो आपकी जो होती है वो होती है आपकी सबसे स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे हेडिंग और हेडर नंबर टिक करें, अब यहाँ पे आपका पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज पूछा गया, तो साइज H1 H6 ये आपके साइज होते हैं हेडर फाइल के, जब आप हेडर लगाएंगे अपने HTML टैग में तो उसको बोल्ड बड़ा करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, तो 6 1.6 का ऑप्शन बनेगा ए।
1.7 पे चलते हैं। अब यहाँ पूछा गया है विच बिल्ड इन मेथड रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग साइज, कौन सा आपका बिल्ड इन मेथड है जो आपकी रिटर्न जो स्ट्रिंग में आपकी रिटर्न ऑफ साइज ऑफ लेंथ को आपको स्ट्रिंग में आपका कन्वर्ट करता है, यानी कि कौन सी अंतर्निर्मित विधि स्ट्रिंग की लंबाई प्रस्तुत करता है। तो कौन आपकी करेगा, लंबाई है आपकी, तो लंबाई आपकी किससे डिनोट की जाएगी, 1.7 का ऑप्शन बनेगा। जाहिर सी बात है लंबाई है तो वो लेंथ होगी, वो आपकी कोई साइज और इंडेक्स नहीं होगा, ये दूसरे ऑप्शन है। तो साइज से डिनोट किया गया तो यहाँ पर लेंथ ऑप्शन बनेगा 1.7 का बी। तो लॉजिक सा क्वेश्चन है। 1.8 है आपका सर्च इंजन आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सर्च इंजन जो आपका गूगल है, इस प्रकार से यहाँ पे गूगल आपका है, तो इसमें आप जब कोई डेटा इनपुट करते हैं आपको सर्च करने के लिए, तो वो आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई हो यानी कि पीडीएफ फाइल, या कोई आपको मैसेज देखना है, निबंध देखना है वो आप, या ऑडियो कोई गाना सुनना है, या वीडियो, तो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ से आप क्वेश्चन ढूंढा करें, इसके लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो गूगल है आप उसमें क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हैं, तो सिंपल सा है, आप उसमें टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, कोई गाना सर्च कर सकते हैं, कोई वीडियो, तो ऑप्शन बनेगा डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। अब आपका पूछा गया है 9 नंबर में दी टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कवर्स, यानी कि आपके इंटरनेट पे जो, जैसे कि आप यूट्यूब पे भी काम करते हैं या वेबसाइट पे भी आप काम करते हैं, तो अगर आप किसी का डेटा अपनी वेबसाइट में डालते हैं या आप किसी की वीडियो अपने अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका कॉपी करना, यानी कि कॉपी राइट करना, आपने उनकी वीडियो अपने में डालनी तो उसको क्या कहेंगे, कॉपी राइट आपने कर लिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने दूसरे की प्रॉपर्टी अपने में सेव की, अपने में अपलोड की है, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहीं से लॉजिक लगा कर आंसर निकाल सकते हैं, इसमें थ्योरी नहीं पढ़नी थी आपको, मैंने जैसे समझाया कि सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शामिल किसमें है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं है, आप अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं उस पर, तो वो किसके अंदर आएगा, रचना स्तत्व, यानी कि कॉपी आप उसको कर रहे हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ये, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए पार्ट फ्रॉम बी टैग दिया गया, व्हाट व्हाट अदर टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, यानी कि बी जो आपका बोल्ड टैग है, इसके अलावा अगर आपको बोल्ड करना है तो आप कौन सा टैग यूज करते हैं, बोल्ड टैग बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बनेगा 1.10 का बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और बी हम लोग टैग यूज करते हैं किसी भी चीज को बोल्ड करने के लिए। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर, काफी सिंपल है, मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझा दिए सारे क्वेश्चन के आंसर, अगर किसी में डाउट हो अभी भी आप पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे, यानी कि जो आपके हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो अब ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज लूजली टाइप लैंग्वेज, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपकी लूजली टाइप लैंग्वेज है, सही है क्या गलत है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जावा स्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप लैंग्वेज है। तो लूजली टाइप लैंग्वेज आपकी क्या होती है, जिसमें आपका जो यूजर होता है, आपका वेरिएबल होता है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, तो इस कारण से आपकी ये जावा स्क्रिप्ट जो होती है आपकी लूसी टाइप लैंग्वेज होती है। अगर आप उसको सर्च करके देखेंगे गूगल पे, आप टाइप करें लूसी टाइप लैंग्वेज में, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि आपकी पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट जो आपकी होती हैं वो सारी आपकी लूसली टाइप लैंग्वेज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लूसली टाइप लैंग्वेज इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर्ड ए वेरिएबल टू बी डिफाइंड, तो यही सिंपल था इसका, तो ऑप्शन बनेगा सही, पहले का ऑप्शन बनेगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, यानी कि यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, इसमें सारा डेटा आपका फीड है, ठीक है, और ये आपके घर पे कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पे सारी जानकारी, गाने, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ यहाँ पे अपलोड है। अब आप अपने यहाँ से डेटा अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं, मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, आप यहीं से तो आ रहा है जब यहाँ से अपलोड किया गया है, तो इसका इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड करना, तो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही है, डाउनलोड करना, यानी कि कोई ट्रांसफर कर रहा है आपको डेटा, और आपके कंप्यूटर में वो कैसे आएगा, जब आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा, इस प्रकार से आंसर इसके लगाते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है,
और फिर आंसर टिक करना है यस और नो। ये नहीं कि आपने 5 सही कर दिए 5 गलत कर दिए। अभी आप देखिएगा कितने आपको सही हो गए कितने गलत इसमें मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायनेमिक एड्रेस डज नॉट चेंज एवरी डे। तो डायनेमिक एड्रेस क्या होते हैं और स्टैटिक क्या होता है। डायनेमिक एड्रेस यानी कि मानिए कोई आईपी एड्रेस है इस प्रकार से, तो डायनेमिक का मतलब है वो आपकी एवरी मिनट एवरी आवर में वो आईपी एड्रेस चेंज होती रहेगी, फ्लैक्चुएट होती रहेगी। और स्टैटिक है तो जो आपने आईपी एड्रेस एक बार ले ली वही आईपी एड्रेस आपकी चलती रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये आपका अंतर है। उसी प्रकार डायनेमिक वेबसाइट होती है और स्टैटिक वेबसाइट होती है। तो वो जैसे न्यूज़ आपकी साइट होती है, न्यूज़ चैनल की साइट होती है, वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती है इसीलिए, क्योंकि उसमें न्यूज़ आपकी फ्लैश होती रहती है और एवरी सेकेंड उसमें न्यूज़ आपकी अपडेट होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डायनेमिक एड्रेस डज नॉट चेंज एवरी डे, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, वो आपकी एवरी आवर आपकी वो चेंज होती रहती है। 2.4 है, टू क्रिएट वेब पेज वी यूज ए टर्म कॉल्ड FTP, यानी कि अगर आप कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे FTP, तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग वेबसाइट कहेंगे या पूरा एक टेम्पलेट कहेंगे या होम पेज कहेंगे। टू क्रिएट ए वेबसाइट इट कॉल्ड HTML वेब पेज या ब्राउजर जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन FTP बिल्कुल नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे बनेगा फॉल्स। होम पेज वेब पेज या वेबसाइट इस प्रकार से आप कहेंगे। 2.5 है, 12.01 दिया है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे 127 होना चाहिए, यहाँ पे मिस कर दिया है मेरे अनुमान से। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्लास ए, तो यहाँ पे क्लास जो आपकी आईपी ए है आपकी आईपी एड्रेस है उसके अंतर्गत क्या ये आईपी एड्रेस आपकी आती है। 100 यहाँ पे 127.0.1.1 होता है आपका, वैसे यहाँ 12.0.0.1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल आपकी जो क्लास ए आईपी एड्रेस है उसके अंदर आपकी ये सबनेट क्लास आती है। आप यहाँ पे जाकर सर्च करें गूगल पे क्लास ए, या इसकी जो थ्योरी आपको बताई गई थी, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं इस प्रकार से क्लास ए आईपी एड्रेस, तो आपको इसके संदर्भ में जो थ्योरी होगी वो इस प्रकार से मिल जाएगी। तो आप इसकी थ्योरी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे 128.0. इस प्रकार से है तो इसी प्रकार से पूरी थ्योरी इसकी है, आप इसको एक बार देख ले समझ लें। अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको समझ के कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया दी गई है वो उसके अनुसार आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्च इंजन मेंटेन हैवी डेटाबेस ऑफ कीवर्ड्स एंड URL। तो सर्च इंजन जो है आपका हैवी डेटाबेस है, आपको सर्च कराता है कीवर्ड और URL के माध्यम से, तो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ इसका आंसर कैसे देंगे आपको, अगर नहीं पता है तो। मान लीजिए ये आपका गूगल है, अब गूगल पे आप क्या सर्च करेंगे, गूगल पे सारा डेटा आपका फीड है, यानी कि डेटा फीड है, तो हैवी डेटाबेस वहाँ पे फीड है। दूसरा क्या है, कीवर्ड और URL। अब दो ही माध्यम आपके पास है गूगल पे, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना है तो दो ही माध्यम है, या तो आप कोई वेबसाइट का लिंक डाल देंगे तो वो वेबसाइट पर्टिकुलरली ओपन हो जाएगी, या फिर आप सर्च करेंगे तो कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड कैसे, कि सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, हिंदी नोट्स, ओ लेवल नोट्स, तो इस प्रकार से डालेंगे तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल सही होगा, 2.6 का ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, एन अटेम्प्ट टू मेक ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर इज कॉल्ड डेनियल सर्वर अटैक। अब हिंदी में देख लें इसको क्या है, एक कंप्यूटर साधन जो उसके अभिप्रेत उपयोगकर्ता को अनुपलब्ध करने के प्रयास को, यानी कि उसको अनुपलब्ध करना यानी कि उसको उपलब्ध नहीं कराना है, अनअवेलेबल है वो, प्रयास को डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। तो एक प्रकार से कोई नाम है, कोई अटैक है जिसको, यानी कि एक तरह से हैकर्स का काम आपका करना है, तो क्या ये सही है कि गलत है इस माध्यम में। तो ये कोई आपकी प्रक्रिया नहीं है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, अटैक ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो ये ऑप्शन जो बनेगा इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन बनेगा फॉल्स। तो ये क्वेश्चन आपको उलझा सकता है, तो इस केस में आपका जो ऑप्शन है, अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिलते तो आप फॉल्स ही आंसर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम इन कॉल्ड सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स का जो आपका पूछा है, सिंप्लेक्स, हाफ प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स जो आपका होता है, उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ये आपका पूछा है कि मेथड जो आपका होता है फ्लो करने का, वो कम्युनिकेट करता है विच ट्रांसमिशन प्लेस इन बोथ डायरेक्शन में, बट वन डायरेक्शन को एक ही टाइम में वो ट्रांसफोर्ट कर पाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंप्लेक्स।
तो 2.8 का ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही है। सिंपलेस्ट का जो आपका मेथड होता है वो वन डायरेक्शन एट ए टाइम करने का प्रोसेस होता है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, आपको सिंपलेस्ट के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन फर्जी है। तो सिर्फ अगर आपको सिंपलेस्ट के बारे में पता होगा तो आप इसकी थ्योरी को देखते ही आंसर आप टिक कर देंगे। सिंपलेक्स हो, हाफ 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 डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स होगा तो आप समझ जाएंगे। आप खाली इनकी थ्योरी आप पढ़ लें। 2.9 एम आई एम स्टैंड फॉर, तो आई एम आई का फुल फॉर्म पूछ लिया है तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही। 2.10 है ए पीस ऑफ मालवेयर डेट अपियर टू बिगिंस और यूजफुल बट यूजली केसेस डैमेज टू डी सिस्टम और अलाउ अनदर टू गेन एक्सेस टू डी सिस्टम इज कॉल्ड ट्रोजन। यानी कि मालवेयर का अंश, यानी कि आपका जो मालवेयर आपके ट्रोजन वगैरह वायरस होते हैं, मालवेयर का अंश जो हितैषी या उपयोगी प्रतीत होता है, लेकिन आपका आपका ये बेनिफिट भी देता है कुछ केसों में, लेकिन वास्तव में सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। यानी कि आपको क्षति तो पहुंचाएगा, कुछ लाभ भी देगा कि आपकी स्पीड कंप्यूटर की बहुत फास्ट हो जाती है जब आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश होता है, या दूसरे को सिस्टम के प्रवेश की अनुमति देता है, उसे एक ट्रोजन कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जब आपके कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी तो वो आपको ट्रोजन आपका कहलाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स, और आपके पार्ट वन के ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्व कर दिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, दिखा भी दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार के मिलते हैं तो आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जो एक दो क्वेश्चन है वो आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि इस पेपर सेट में, तो हर बार आपको पेपर सेट अलग मिलेगा। हो सकता है एकदम अच्छे क्वेश्चन पूछ लें, अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब है एकदम हल्के क्वेश्चन, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप फटाफट उसके आंसर टिक करते चले जाएंगे। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 7 टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें आपको थ्योरी काम नहीं आएगी, इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर कहाँ तक जाना चाहिए, सही है गलत है। इसमें आपको सिर्फ लॉजिक आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह से आपको मैं डेली एक एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी क्वेश्चन को समझने में और उसको हल करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।